क्योंकि इतिहास गवाह है कि सीरिया से मैं बिलोंग करता हूं, वहां के लड़के या तो पुलिस में होते हैं या तो आर्मी में होते हैं, पढ़ाई वढ़ाई कोई नहीं करता। तो अगर अपनी डायरेक्शन नहीं बदली होती तो मैं भी शायद इन दोनों से कहीं पे रहता। लेकिन बचपन से ही पिताजी ने एक चीज बताया था, बेटा पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो जुनून लगा के पढ़ता था। पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि आज तक मैं किसी क्लास में सेकंड नहीं आया हूं। अच्छे मार्क तो नहीं आए, लेकिन इतना जरूर आए कि पहला क्लास से लेकर डॉक्टरेट की उपाधि तक मैंने आज तक 90% से नीचे के नंबर कभी अचीव नहीं किया, ऊपर ही अचीव किया। दोस्तों ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं इस इंडस्ट्री में जो कुछ नहीं कर सकता वही आता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, फिर भी इस इंडस्ट्री में क्यों हूं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। जब मैंने 12th पास आउट किया था उसके बाद 12th के साथ ही मैंने MBBS की एग्जाम क्रैक की थी, पूरे न्यूज समाचार में आया हुआ था कि इस एरिया का पहला लड़का है जिसने MBBS का एग्जाम क्वालिफाई किया। अच्छा मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि आज भी मेरे एरिया के सारे लोग यही जानते हैं कि ये डॉक्टर बन गया इसलिए होंडा सिटी लेके चलता है। अब उनको अच्छा जब मिलता हूं तो हमेशा आयुर्वेद की बात होती रहती है, लोग फोन करते हैं बीमारी के लिए, तो मैं SLPS का प्रोडक्ट उनको देके ठीक भी कर देता हूं, तो डाउट भी नहीं बन पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी खराब थी, देखो आपके अंदर कितनी भी टैलेंट है लेकिन अगर ये कमजोर है ना, आज के क्षेत्र में मेरे दोस्त जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। जब मैं BHU में पढ़ाई करता था तो मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मेरे पिताजी 1500 रुपया मुझे महीने का देते थे पॉकेट खर्चा। मैं जानबूझ के बोल नहीं पाता था उनसे, उनको मैं बता नहीं पाता था, क्योंकि जब भी मैं बोलता था कि पापा 1000 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए कुछ किताबें लेनी है, तो उनकी जो आवाज आती थी उसमें ऐसा दर्द होता था जैसे लगता था मैंने करोड़ों रुपए मांग लिए, तो वो चुपता था अंदर। मैंने कभी ब्लेम नहीं किया, मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं और मैं सैल्यूट करता हूं अपने माता पिताजी को जिन्होंने इतनी कड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन में मुझे पढ़ा दिया, तो मैं उनको भगवान से ऊपर दर्जा देता हूं, ये इतनी कड़ी सिचुएशन में भी उन्होंने पढ़ा दिया। तो जब मैं बात करता था पढ़ाई के समय और उनके मुंह से जब आती थी 1000 रुपए के, तो अंदर दर्द होता था कि यार आज अगर 1000 रुपए के लिए आ रही है तो रियल में कोई भी मां बाप ये नहीं चाहे उसके बेटे की पढ़ाई बिगड़ी बाधा कहीं से आए। मैं BHU लाइब्रेरी से किताब ले लेके अपनी पढ़ाई किया हूं, स्टडी मैंने वैसे पूरा किया है, और उसी समय मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देखने का मौका मिला। मुझे नहीं पता था इंडस्ट्री इतनी बड़ी होती है, इतना भव्य रूप इसका होता है, मैं एक्चुअली इसको बहुत छोटा मानता था। और मुझे पता है यहां बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जब पढ़ाई का जो भूत सवार होता है ना आदमी कुछ भी देखता नहीं है, तो मैं इस इंडस्ट्री को बड़ा छोटा मानता था और मैंने पार्ट टाइम में इसकी शुरुआत की थी। लेकिन बाद में जब मुझे लगा कि यार यहां पर मैं अपने साथ साथ कई लोगों की करियर सही कर सकता हूं, तो फिर मैंने इस इंडस्ट्री की तरफ झोंक दिया, पूरी ताकत लगा दी, दिन रात एक कर दिया। जब क्लास खत्म होता था छुट्टियां होती थी उस समय सारे लड़के अपने घर जाते थे, लेकिन मैं 1000 रुपए की रूम लेके ऐसे अपने बिजनेस करता था वाराणसी सिटी में, जहां ना कोई जानने वाला है ना कोई पहचानने वाला था, उस जगह हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। बहुत मेहनत किया और कभी कभी ऐसा लगने भी लगा यार पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, जिंदगी में कुछ होंगे नहीं होंगे। और दोस्तों वो बोलते हैं ना, अभी तो सावन का महीना भी चल रहा है और मैं चाहता हूं एक बार हर हर महादेव बनारस वाले बोल के दिखा देंगे, तो हर हर महादेव का आशीर्वाद अपने ऊपर भी था। और मैं बोल सकता हूं कि भगवान के रूप में एक इंसान आज से लगभग 22 महीना पहले वाराणसी के धरती पर आया, और दोस्तों वो कोई नहीं, हम सारे लोगों के आइडियल, हम सारे लोगों के महागुरु। मैं चाहता हूं एक जानदार तालियां होनी चाहिए कंपनी रॉयल डायमंड मिस्टर महिपाल सर के लिए, एक जानदार तालियां बजाते हैं।
आज से 12 महीना पहले इसी सावन के महीने में मुझे लगता है महादेव के भेष में गुरु जी आ गए थे, और उस दिन से आज तक बनारस वालों का कल्याण हो गया। और उसी कल्याण में छोटा सा मेरा भी एक रोल आ गया था, इस बिजनेस की शुरुआत कर दिया। दोस्तों जब शुरुआत किया तो हमारे साथ हमारे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने हर समय हर वक्त पे हमारा साथ दिया, मैं चाहता हूं सर के लिए एक जानदार तालियां होनी चाहिए। द कंपनी ब्लैक डायमंड मिस्टर शिव कुमार सर, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम लोग एक साथ बिजनेस किया करते थे और एक ही चीज पे भरोसा था, एक ही चीज पे विश्वास था, प्रोडक्ट का दम। क्योंकि प्रोडक्ट ने अगर जोर लगाया तो मजा आ जाएगा। मैं तो मेडिकल क्षेत्र से था ही, मेरी सर्च भी चल रही थी, मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई, नहीं तो मैं BHU से SNPL से जितने भी प्रोडक्ट हैं लगभग प्रोडक्ट की टेस्टिंग ऑलरेडी करवा चुका हूं, जितने भी हमारे दोस्त है सबकी टेस्टिंग में ऑलरेडी करवा चुका था। और तब जाके इस धंधे में मैं शुरुआत किया था, ये मैं बताया नहीं किसी को, लेकिन मैं अंदर से जितने मेरे दोस्त अंदर बैठे हुए थे उन सबसे मैंने बोल के इसकी टेस्टिंग करवा ली थी। और जब भरोसा हो गया, दिल में विश्वास आ गया था, उसके बाद एक ही बात बोला था कि अब धंधा तो उठेगा, अब लगता है गरीबी मिट जाएगी, अब लगता है खानदान के इतिहास बदल जाएगा, और अब वो सोच शायद डेवलप हो पाएगी हमारे लोगों के अंदर, हमारे अंदर वो इतिहास जो हमने सोचा था वो फिर से हमारे अंदर आ जाएगी। इस विश्वास के साथ काम करना शुरू किया। कुछ लोग बोले आयुर्वेद नहीं चलेगा, कोई खा के प्रोडक्ट मर गया, तो इस तरह तरह की बातें आई थी। लेकिन दोस्तों एक ही चीज समझा था, प्रोडक्ट नेक नियत की है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। हमने सबसे पहले शुरुआत अपने मम्मी को दिया था प्रोडक्ट, और जब 2-3 सप्ताह के बाद वहां से रिजल्ट आया उसके बाद एक जुनून के साथ काम करना शुरू किया, दिन रात एक कर दिया। मुझे अभी भी याद है जब हमने SNPL में काम शुरुआत किया था, शुरुआत के 3 महीने तक कब सोया मुझे खुद भी पता नहीं, पॉकेट में पैसे नहीं थे। SNPL में मेरी पहली चेक 2 महीने बाद बनी थी, 2500 रुपए की। उससे पहले चेक नहीं बनता था, लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं चलने देता था। दिन रात एक किया, दिन रात काम किया, काम करते करते कभी ऐसा लगता भी था यार पता नहीं, BHU में जो पढ़ाई था उसको भी छोड़ दिया, यहां भी आ गया, पता नहीं करियर बनेगा नहीं बनेगा। और दोस्तों एक ऐसा समय आया जिस वक्त में मैं बड़ा हतोत्साहित हो रहा था, गिर रहा था, और उस समय एक इंसान से हमारी मुलाकात हुई थी वाराणसी में, और उन्होंने गले लगाया था। मैं हमेशा उस क्षण को मैं भूल नहीं पाता हूं, आप सबके सामने मैं उस क्षण को जरूर बता पाता हूं। उस इंसान ने गले लगा के मुझे बताया था कि बेटा तू काम कर, तेरे को इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों ऐसा लगा था मान लो मेरे बाप ने मुझे गले लगा लिया। और दोस्तों वो इंसान कोई नहीं, हमारे कंपनी के रचयिता, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी, हमारे महागुरु, हमारे भगवान मिस्टर संजीव सर थे। मैं चाहता हूं सर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर। और उस दिन के बाद जितनी भी अंदर निगेटिविटी थी सबको मैंने फेंक डाला। लोगों ने बोला यह धंधा होगा नहीं होगा, मैंने बोला टेंशन नहीं लेने का, साला ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं, दुनिया की कोई ताकत अपने को सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती। और उसके बाद जब इस घोड़े ने रेस दौड़ना शुरू किया तो हिंदुस्तान में कोहराम मचा के रख दिया। पहले बनारस में बोलता था बिजनेस करेंगे, लेकिन आज हिंदुस्तान के 26 शहरों में बिजनेस खड़ा करके चल छोड़ दिया है, पता भी नहीं चल रहा है। लोग बोलते पैसा कमा लेना, और दोस्तों मैंने SNPL एनुअल से 10,000 भी कमाया, 20,000 भी कमाया, 50,000 भी कमाया, 1,00,000 रुपए भी कमाए, 10,00,000 रुपए भी कमाए, 50,00,000 रुपए भी कमाए। आज SNPL से 1,03,00,000 रुपए की टेस्ट मनी निकल गई हुई है। ये ताकत है इंडस्ट्री की। अच्छे अच्छे डॉक्टर पूरी जिंदगी में करोड़ों का सपना देख लेते, देख पाते हैं नहीं पाते, मिलता नहीं मिलता पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। हमारा एक दोस्त है जो अभी MS कर रहा है, अभी फाइनल ईयर हो जाएगा, और वो मेरे से एक बार मजाक मजाक में से फोन किया,
बोला यार क्या हुआ तेरी डिग्री, क्योंकि हम क्लास में दो लोग थे, मैं फर्स्ट आता था वो सेकंड आता था, दोनों अलग अलग कॉलेज में। उसने मेरे से मजाक में बोल दिया, बोला यार क्या हुआ तेरी डिग्री। मैंने बोला मेरे दोस्त मुझे पता है तू हास्य वाली बात कर रहा है, तू मेरी खिल्ली उड़ाना चाहता है, लेकिन मां कसम एक बात तुझे सच्चाई जरूर बताता हूं कि आज तक तेरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने जितने मरीजों को देखा नहीं होगा ना, 22 महीने के अंदर अमित दुबे ने उतने मरीजों को ठीक कर दिया। ये ताकत है सोचो। कभी मलाल आ भी सकता था शायद एसएलपीएस में नहीं होता तो, कि पता नहीं यार एमबीबीएस बन जाता तो क्या होता, लेकिन आज बोलता हूं कि कोई मलाल नहीं है, क्योंकि एक अच्छे अच्छे एमबीबीएस एमएस एमडी किए हुए डॉक्टर आज जो महीने की इनकम लेते हैं, एसएलपीएस का शेयर एक एक वीक के अंदर उतनी इनकम कमाता है, ये ताकत है एसएलपीएस वेलनेस की। अच्छा मेरी एज अभी 26 साल है, 26 साल की उम्र है, और 26 साल में लोग अपनी करियर सेट करने के लिए सोचते हैं। मुझे भी लगा था यार कुछ अच्छा करियर बना लेंगे, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं एसएलपीएस को, और मैं हमेशा बोलता हूं कि तेरी निस्बत का सहारा लेकर क्या से क्या बन गया मैं, नाम तुम्हारा लेकर एसएलपीएस के लिए मैं बोलता हूं हमेशा। कितना बड़ा करियर है आप सोच के देखिए, एक 26 साल का लड़का आज मैं काम करूं या ना करूं, कोई ऐसा महीना नहीं होता जिस महीने में 5 से 6 लाख रुपए की इनकम नहीं आती होगी। आज बड़े बड़े एमबीबीएस बड़े बड़े आईएम से किए हुए लड़के जितनी इनकम नहीं कमाते, उतनी इनकम एसएलपीएस का शेयर बिना काम किए भी कमा लेता है। ये पावर है एसएलपीएस की। और आज तो रियल में मतलब मजा आ रहा है, मुझे नहीं पता जिंदगी बदलना किसको बोलते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जहां पहले बाइक से सफर की शुरुआत होती थी, आज हिंदुस्तान के जिस भी कोना में अगर सरकार ने एयरपोर्ट बना दिया है, एसएलपीएस का शेयर फ्लाइट से वहां जाता है और किसी चीज से बात होती नहीं, इतना ताकत है। मुझे नहीं पता जिंदगी बदलना किसको बोलते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाता हूं, हमारे गुरु जी लोगों ने इतनी अच्छी सोच दे दी है कि 5 स्टार से नीचे होटल में स्टे करने का तो मन ही नहीं करता, जाते तो मजा ही नहीं आता। मतलब स्टे करो तो 5 स्टार में, लाइफ रहे तो फ्लाइट में। आप बताइए जिंदगी बदली यस और नो? यस और नो? तो मेरे दोस्त अगर मेरी जिंदगी बदल सकती है तो यकीन मानना समय जो भी लगे जिंदगी आप सारे लोगों की भी जरूर बनेगी, क्योंकि एसएलपीएस ब्रांड है और ब्रांड के साथ तो सब कोई ब्रांड बन जाता है। आया ना? आया ना? यस और नो? यस और नो? ये ताकत मिल गई। और अभी तो सफर की शुरुआत हुई है, अभी तो घर की गरीबी दूर हुई है। मेरे घर वाले बोलते हैं कि बेटा शादी कब करेगा, मैं बोला पापा जब तक जयवार और फरारी नहीं आएगी तब तक शादी का तो मजा ही नहीं आएगा। यस और नो? आया ना? yes. आया ना? yes. अभी लगभग 10 महीना पहले मैंने होंडा सिटी कार ली है, लेकिन मैं आपको दिल से बताता